हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिताज फूड। आज हम बनाएंगे फ़िश करी, जो कि बहुत टेस्टी होती है। फ़िश करी बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले हम फ़िश लेंगे। मैं यहाँ 4 से 5 पीस फ़िश ली हूँ। अब हम इसके ऊपर नमक डालेंगे, फिर 1 चम्मच हल्दी, और इसे चारों तरफ से अच्छे से मिलाएंगे। इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि नमक और हल्दी इसके चार अच्छे से लग सके। देखिए, मैंने नमक और हल्दी फिश के चारों तरफ अच्छे से लगा लिया है। अब हम पैन लेंगे, उसमें तेल गरम करेंगे, जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तब इसमें एक एक करके सारे फिश को अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम फिश को एक तरफ से पलट लेंगे। जब फिश दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए तब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी बचे पीस को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हमारे सारे फिश फ्राई हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे बॉइल्ड किया हुआ आलू को फ्राई करेंगे। आलू से फिश की करी में अच्छा टेस्ट आता है। ये बॉइल्ड किया हुआ आलू है, इसलिए इसे फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब हमारे बॉइल्ड आलू भी फ्राई हो चुके हैं। अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। जैसे हमारे प्याज थोड़े रेड हो जाए तब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे थोड़ा भूनेंगे। साथ ही में हम इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे। अब हम इसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिलाएंगे।
अब ग्रेवी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला है। मैं यहाँ कलर के लिए थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। अब हम इसमें फिश करी पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हमारा मसाला अब साइड से तेल छोड़ने लगा है। अब हमारा मसाला पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। आप अपने आवश्यकता अनुसार पानी की मात्रा कम या ज़्यादा रख सकते हैं। जब पानी में थोड़ा उबाल आ जाए तब इसमें कटे हुए फ्राई किए हुए आलू को डालेंगे। अब हम इसमें फ्राई किए हुए फिश को डालेंगे। अब हम इसे ढककर 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए हमारे 5 से 10 मिनट पूरे हो चुके हैं और हमारी फ़िश करी भी अब पूरी तरह से रेडी है। और लास्ट में हम इसमें ऊपर से गरम मसाला डालेंगे और गैस बंद कर देंगे। अब इसे ढक देंगे। देखिए अब हमारी फिश करी पूरी तरह से रेडी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।